नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, शामली कलेक्ट्रेट में गुरुवार को महिला द्वारा खुद पर डीजल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश करने से अफरा तफरी मच गई। महिला ने ससुर पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। ससुर पर चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर बेटे की हत्या करने की धमकी का आरोप लगाया है। आदर्श मंडी पुलिस ने आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला को हिरासत में ले लिया। थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के कस्बा बनत निवासी सुनीता पत्नी शिव कुमार राणा गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा करते हुए खुद पर डीजल छिड़क लिया। इससे पहले कि महिला खुद को आग लगा पाती, मौके पर ही मौजूद LIU और अन्य पुलिसकर्मियों ने भागकर महिला को पकड़ लिया और डीजल से भरी बोतल छीनते हुए माचिस को दूर फेंक दिया। SDM विनय कुमार सिंह भदौरिया समेत कलेक्ट्रेट में मौजूद तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। महिला ने अपने ससुर सेवाराम पर गंभीर आरोप लगाए। SDM को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि ससुर शादी के बाद से ही गलत नजर रख रहा था, लगभग 10 सालों से शारीरिक शोषण करता आ रहा है। आरोप है कि पुत्र की हत्या करने का डर दिखाकर ससुर शारीरिक शोषण करता आ रहा है। ससुर अपनी भूमि बेचकर पिछले 6 सालों से रुड़की रह रहा है और अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर शारीरिक शोषण कर रहा है, जिसका विरोध करने पर चल और अचल संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। महिला को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा महिला के साथ आए एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, आगरा पुलिस कमिश्नरेट के सिटी जोन की टीम ने 26 अप्रैल की रात कपड़ा व्यापारी के यहां हुई चोरी का खुलासा किया है। थाना रकाबगंज पुलिस और सर्विलांस की टीम ने 75 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की है। पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से 2 ऐसे हैं जिनका बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। DCP सिटी सूरज राय ने बताया कि रकाबगंज क्षेत्र के बिजली घर में 26 अप्रैल की रात करीब 2 बजे कपड़ा व्यापारी के यहाँ चोरी हुई थी। पुलिस ने उस घटना का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि वारदात पूरी प्लानिंग के तहत की गई, जिसमें व्यापारी का एक कर्मचारी भी शामिल था। सूरज राय ने बताया कि घटना वाली रात को ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। कारोबारी ने 65 से 70 लाख की नकदी चोरी होने की जानकारी दी थी। चोरी की इतनी बड़ी वारदात को गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन किया गया था। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता अजय यादव की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 26/27 की रात में थाना रकाबगंज एक चोरी की घटना कारी थी, जो 27 अप्रैल 2024 की सुबह में थाना रकाबगंज में जिसको रिपोर्ट किया गया। और इस सूचना पे मिलते ही तत्काल टीमें लगा दी गई इस चोरी की घटना के सफल अनावरण के लिए। वादी ने बताया कि कुछ 65 से 70 लाख रुपए के बीच की चोरी धनराशि थी उनकी, जो चोरी में गई है, और इसीलिए टीम तत्काल लग गई। और बहुत ही अल्प अवधि में, 4 दिन के समय में, SOG सर्विलांस नगर जोन और थाना रकाबगंज पुलिस की संयुक्त टीमों ने ACP सदर के नेतृत्व में इस घटना का सही अनावरण किया है और इसमें 57 लाख रुपए से ज़्यादा की भी राशि की बरामदगी हुई है। इसके अलावा अभियुक्तों के पास से 1 इलीगल वेपन भी मिला है। 6 अभियुक्त कुल गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 5 जो घटना कारित करने में थे। जो छठा अभियुक्त बादल है, वो इस दुकान पर ही काम करता था, इसी ने इस घटना की प्लानिंग की थी। वीडियो कॉल के माध्यम से इसने रेकी कराई थी अपने बाकी साथियों को और इन्होंने घटना को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की थी।
और 26/27 की रात को इस घटना को इन्होंने कारित किया था। इस गुड वर्क के लिए आयुक्त महोदय आगरा के द्वारा पूरी पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड घोषित किया गया है। सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 2 अभियुक्त विशाल नाम के हैं, उनके उनका एक पुराना आपराधिक इतिहास भी है। 5-5 मुकदमे इन दोनों के खिलाफ हैं। एक विशाल जो है वो गैंगस्टर के मामले में अभी जमानत पर कुछ दिन पहले ही छूट कर आया था। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बुलंदशहर में शरारती तत्वों ने नहर पटरी किनारे मार्ग पर आग लगा दी। सियाना कोतवाली क्षेत्र में नहर पटरी किनारे मार्ग का है ये मामला। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आग लगने की सूचना पर वन विभाग कर्मचारियों में हड़कंप मच गए। वहीं मार्ग पर धुआं फैलने से राहगीरों को परेशानी भी उठानी पड़ी। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने आज अपने सहयोगियों के साथ नंद नगरी स्थित डीएम कार्यालय नामांकन पत्र दाखिल किया, जिससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक रोड शो निकाला गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर दिल्ली लोकसभा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, लोकसभा चुनाव प्रभारी विष्णु मित्तल आदि समेत सभी जिला पदाधिकारी, निगम पार्षद, मंडल अध्यक्ष और हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए जन समर्थन की अपील की। रोड शो के दौरान क्षेत्र निवासियों ने रोड शो में शामिल लोगों का 30 स्थान पर मंच लगाकर स्वागत किया, जिसमें अलग अलग समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, आज ये मैं आमंत्रण संदेश आपको दे रहा हूं। हम सब के लोकप्रिय सांसद और तीसरी बार भाजपा के इस लोकसभा से प्रत्याशी आदरणीय मनोज तिवारी जी की कल 1 मई 2024 को सुबह 9 बजे नामांकन यात्रा प्रारंभ होगी, जो C4/89A मेन सर्विस रोड यमुना विहार, जो चुनाव का हमारा लोकसभा कार्यालय है, वहां से प्रारंभ होगी। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, विशेष रूप से आशीर्वाद देने आएंगे। उनके साथ माननीय OP धनखड़ जी, जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं, माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अनेक गण्यमान्य उसमें आशीर्वाद देने आएंगे। आप सबका भी प्यार, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद अपेक्षित है। आइए अब की बार 400 पार की मोदी सरकार की गारंटी वाली सरकार को आशीर्वाद देने के लिए इस पल के हम भी साक्षी बने। मैं आपका इंतजार करूंगा और प्रातः 9 बजे नाचते गाते झूमते हुए हम सब लोग खुशी से इस नामांकन यात्रा में चलेंगे, मनोज तिवारी जी का नामांकन भरवाएंगे और मोदी जी की तीसरी बार की 400 पार की सरकार की गारंटी तय करेंगे इस लोकसभा से। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमने रूस से हथियार लिए, हमने जर्मनी से हथियार लिए, हमने फ्रांस से जहाज। पिछला भी चुनाव हमने यहीं से लड़ा,
और आपके हाथों से, जो शुभ हाथों से हम सब ने इस यात्रा को जारी शुरू किया था। सर, आपने हमें एक और बहुत बड़ा मेट्रो लाइन, ठीक इसके बगल में मेट्रो, ट्रिपल डेकर मेट्रो है सर, जो इस क्षेत्र की सारी समस्याओं को दूर करके, सारी ट्रैफिक जाम को दूर करके, और जब आप आए होंगे तो इस फ्लाईओवर के नीचे से आए, वही आपकी जो वही एलिवेटेड रोड है, जो ढाई घंटे में अब हमारे सारे जाम को दूर करते हुए देहरादून पहुंचाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं एक बार मेरे सभी साथी दोनों हाथ उठाकर अपने आदमी राजनाथ जी के सम्मान में दोनों हाथ उठाकर से कहेंगे, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद। और ये मेरा सौभाग्य है दोस्तों, मैं तो न जाने कितनी बार जब सर के पास बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति का एक सागर से मुलाकात कर रहा हूँ, जहां से हम न जाने कितने लोटे पानी निकाल लो, वो राजनीति का पत्थर जो इतिहास है भारत का, जिसमें हम लोग आदरणीय राजनाथ सिंह जी अपना गार्जियन मान के चलते हैं, अभिभावक मान के चलते हैं, और इस क्षेत्र के लोग आज देखो सर की हम लोग गाड़ी लग गई है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, गुजरात के साबरकांठा के वडाली के वेदा गांव में ऑनलाइन पार्सल ब्लास्ट में दो लोगों की मौत हो गई। घटना में अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑनलाइन ऑर्डर किए गए बिजली के सामान में विस्फोट होने से एक 11 साल की बच्ची और एक 30 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि घटना स्थान के पास पास अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक वडाली तालुका के वेद गांव में एक व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जिसका पार्सल आया था। पार्सल खुलते ही जोरदार धमाका हुआ। पार्सल खोलने वाले एक 30 वर्षीय व्यक्ति और 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। पुलिस उपाधीक्षक और जिला LCB समेत वडाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की आगे की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पार्सल खोलने वाले युवक की कलाई कट गई थी। इतना ही नहीं, युवक के सीने में भी गोली मारी गई है। इस घटना में युवक और किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, इसलिए घरवाले दिखावा कर रहे हैं कि पार्सल अज्ञात शख्स ने दिया था। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़। धन्यवाद।